नमस्कार, पल में बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। मैडम तुसाद में लगा श्रीदेवी का वैक्स स्टैचू, बोनी कपूर के संग जानवी और खुशी भी आई नजर। श्रीदेवी की डेथ को 1.5 साल हो गया है, इसके बावजूद वो किसी न किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में खबर आई थी कि श्रीदेवी का वैक्स स्टैचू सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगने वाला है। दर्शकों के बीच इस वैक्स स्टैचू के प्रति काफी उत्सुकता बढ़ाने के लिए हाल ही में इसकी कुछ फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, लेकिन आज हम आपके लिए मैडम तुसाद म्यूजियम से श्रीदेवी की कुछ ताज़ा तस्वीरें लाए हैं। सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में श्रीदेवी का वैक्स स्टैचू लग गया है, इसके बाद इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती दिखाई दी। जब श्रीदेवी के वैक्स स्टैचू का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान उनके पति बोनी कपूर समेत दोनों बेटियां यानी कि जानवी और खुशी मौजूद दिखाई दी। सामने आई एक फोटो में जानवी कपूर अपनी मम्मी श्रीदेवी का वैक्स स्टैचू निहारती नजर आईं। साथ ही साथ श्रीदेवी के इस वैक्स स्टैचू को फिल्म मिस्टर इंडिया की हवा हवाई का लुक दिया गया है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। श्रीदेवी के इस वैक्स स्टैचू के साथ बोनी, जानवी और खुशी की तस्वीर देखने लायक है। वही अगर श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुंजन सक्सेना की बायोपिक को लेकर काफी बिजी है। इस फिल्म में जानवी पहली बार एक पायलट की भूमिका में नजर आने वाली हैं। खास बात ये कि जानवी ने अपनी इस फिल्म के लिए काफी मेहनत भी की है और खबर तो ये भी है कि जानवी कपूर जल्द ही करण जौहर की फिल्म तख्त में भी महत्वपूर्ण किरदार अदा करने वाली है। वहीं पिछले दिनों जब श्रीदेवी का बर्थडे था तो जानवी काफी इमोशनल हो गई थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मम्मी के साथ एक तस्वीर को शेयर भी किया था। वहीं अब जब सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लग गया है श्रीदेवी का स्टैचू तो पूरा परिवार काफी इमोशनल नजर आया। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको श्रीदेवी का ये वैक्स स्टैचू कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।